टीकमगढ़ में लंबे समय से चोरी की अलग अलग वारदातें सामने आ रही थीं, जिसको देखते हुए पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और चोरों के मास्टरमाइंड के साथ चार अन्य चोरों को सात मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। टीकमगढ़ में लंबे समय से चोरी हो रही बाइक को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने चोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरों के मास्टरमाइंड दीपेंद्र राजा परमार के साथ चार अन्य चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इनके पास से चोरी की सात मोटरसाइकिलें मिली हैं। टीआई सुनील शर्मा ने बताया कि ये चोर लंबे समय से वाहन चोरी के मामले में शामिल थे और पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे, जिसको देखते हुए एक टीम बनाई गई और मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। चोरों को पकड़ने वाली टीम को एसपी प्रशांत खरे द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। ये पांच आरोपी बाइकर्स गैंग है, इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ की है। इनसे सात मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिसमें तीन आरोपियों को नारगुड़ा के जंगल से गिरफ्तार किया गया है और दो लोगों को बमीठा जिला छतरपुर से गिरफ्तार किया गया है। तीन आरोपी हैं, जिसमें दीपेंद्र राजा परमार, दूसरा गुड्डू राजा परमार, तीसरा बाबूलाल पिता हीरालाल कुशवा। ये तीनों को नारगुड़ा के जंगल से गिरफ्तार किया गया है और दो आरोपियों को बमीठा जिला छतरपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसमें अंकित राजा और रविंद्र राजा, ये दो बमीठा से गिरफ्तार किए। सर, कितनी कितनी गाड़ियाँ इनके पास है? इनके पास अभी सात गाड़ियाँ बरामद की गई हैं, सातों गाड़ियाँ चोरी की हैं और आगे भी पूछताछ जारी है, अन्य गाड़ियों का भी खुलासा हो सकता है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।